नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। जानेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यूपी में चलता रहेगा बुलडोजर, माफियाओं को लेकर योगी सरकार ने लिया है ये अहम निर्णय। उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर गरजता रहेगा। यूपी सरकार की ओर से अगले 2 साल का टारगेट कब फिक्स कर दिया गया है, मतलब 2024 तक माफियाओं की संपत्तियों पर कार्यवाही होती रहेगी। लोकसभा चुनाव में इसी वर्ष होने हैं, ऐसे में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार बुलडोजर मॉडल से आगे निकलने के मूड पे नहीं है। आम लोगों के बीच माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही की जो छवि बनी है उसे योगी सरकार बरकरार रखना चाहती है। विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है वही फायदा अब लोकसभा चुनाव में भी उठाने की कोशिश होगी। इसके लिए टारगेट तय कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन अब इस टारगेट को ध्यान में रखते हुए माफियाओं की पहचान कर उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी। सीएम योगी ने शुरू किया ऑपरेशन कायाकल्प। राज्य में 30,000 सरकारी विद्यालय होंगे स्मार्ट स्कूल। उत्तर प्रदेश में लगभग 30,000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में बदलाव किया जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य राज्य में शिक्षा सुविधाओं में लगातार सुधार करना है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में, आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल में ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया है जो प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूलों में बदल देगा। राज्य में लगभग 30,000 माध्यमिक विद्यालय स्मार्ट कक्षाओं, खेल के मैदानों, उचित शौचालय, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, कला कक्षों और अन्य आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होंगे। सरकार के प्रवक्ता के अनुसार पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण राज्य द्वारा संचालित स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए पारंपरिक शिक्षण पद्धति को तकनीकी आधारित शिक्षा के साथ मिला रहे हैं। नतीजतन इन स्कूलों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या भी बढ़ी है। सीएम योगी देने जा रहे हैं गोरखपुर को प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया है। से के शुरू होते ही गोरखपुर को प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय की सौगात मिलने जा रही है। इससे मनोरंजक ज्ञान के साथ पर्यटन संवर्धन को भी पंख लगेंगे। ये पूर्वांचल का पहला प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय होगा और जल्द ही सीएम योगी इसकी आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के हस्तिनापुर, मेरठ व गोरखपुर में प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय की स्थापना के निर्देश दिए हैं। गोरखपुर में स्थापित होने वाले संग्रहालय की परियोजना पर तकरीबन 25 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस प्राकृतिक संग्रहालय का निर्माण तारामंडल एरिया में शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान के निकट स्थित बौद्ध संग्रहालय के परिसर में 1.5 एकड़ में बहुमंजिला इमारत के रूप में किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर संस्कृति विभाग पहले ही भारत सरकार को प्रस्ताव भेज चुका है। प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय में पहले विलुप्त हो चुके जीव जंतुओं, पक्षियों के शरीर को रखा जाएगा। देश में विभिन्न स्थानों एवं संग्रहालयों से उन्हें चयनित करके लाया जाएगा। ऐसी वनस्पतियों एवं जीव जंतु के शरीर को केमिकल कोटिंग कर या स्टफिंग कर सुरक्षित रखा जाएगा। संग्रहालय में उन्हें इस तरह से रखा जाएगा कि वे जीवित स्थिति में नजर आए। योगी सरकार कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को देगी फ्री राशन, सभी डीएम को निर्देश। कोरोना संक्रमण काल में माता पिता को खोने वाले बच्चों को अब सरकार की ओर से मुफ्त खाद्यान्न मुहैया कराया जाएगा। जिला प्रशासन ने जिला पूर्ति अधिकारी के लिए ऐसे बच्चों के राशन कार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। बरेली जिले में 4 परिवारों के साथ बच्चे अनाथ हुए। 2020-21 में कोरोना संक्रमण के दौरान सबसे अधिक जनहानि हुई है। कई ऐसे परिवार भी हैं जहां पति पत्नी दोनों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे बच्चों की परवरिश के लिए सरकार द्वारा जिम्मेदारी लेने के निर्देश दिए। हाल ही में प्रदेश सरकार ने ऐसे अनाथ बच्चों के लिए फ्री राशन मुहैया कराने का ऐलान किया है। सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए हैं वह अपने अपने जिले में ऐसे अनाथ बच्चों को खोजे जिन्होंने अपने माता पिता को कोरोना काल में खो दिया। ऐसे बच्चों की प्राथमिकता के आधार पर राशन कार्ड बनाए जाए। उन बच्चों को हर महीने कोटेदार के माध्यम से फ्री राशन पहुंचाया जाए। योगी के मंत्री धर्मपाल सिंह बोले मदरसों में अब सिर्फ अरबी फारसी नहीं पढ़ाई जाएगी, गौवंश के लिए आएगा गुजरात मॉडल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में आवारा जानवर से किसानों को होने वाली परेशानी एक बड़ा मुद्दा था जिस पर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा था। वहीं सरकार भी अब इस मुद्दे को लेकर पूरी योजना पर कार्य कर रही है। प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह की ओर से बताया गया है कि सरकार जल्द आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए गुजरात मॉडल को लागू करने वाली है। हर गौशाला में भूसा बैंक बनाया जाएगा और 1 साल के अंदर सरकार छुट्टा जानवरों की समस्या को खत्म कर देगी। केवल सरकारी खर्च से गौशाला
नहीं चलेगी। इसके लिए जन भागीदारी होना भी आवश्यक है। आपको बता दें कि वही मदरसों को लेकर कहा कि अब वहां केवल अरबी फारसी नहीं तकनीकी की भी शिक्षा की दी जाएगी। बाराबंकी में एक निरीक्षण के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने बयान दिया, अभी प्रदेश में आवारा पशुओं को लेकर बहुत कार्य करने की आवश्यकता है, इसमें जन भागीदारी भी बहुत जरूरी है जिससे हमारे किसानों को इस समस्या से राहत मिल सके। योगी सरकार ने किसानों को दी राहत, गेहूं खरीद में खत्म की आधार सत्यापन की अनिवार्यता। गेहूं खरीद से पहले किसानों के आधार सत्यापन की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है, यानी गेहूं बेचने के दौरान किसानों की पॉप मशीन पर अंगूठे के मिलान में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन किसानों को अपने बैंक खाते से आधार लिंक कराना ही होगा। यही नहीं, बैंक के जरिए NPCI पोर्टल में भी खाते को लिंक कराना होगा। ऐसा नहीं किया तो गेहूं का पेमेंट खाते में नहीं जाएगा। पहली बार गेहूं खरीद के रजिस्ट्रेशन के साथ ही किसान के बैंक खाते के PFMS पोर्टल से सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे जिन किसानों का आधार लिंक नहीं होगा, बिक्री के दौरान उनका अंगूठा ई पॉप मशीन पर नहीं लगता। बिक्री ना होने से किसान परेशान थे, इसे देखते हुए सरकार ने बिक्री से पहले सत्यापन की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी निश्चल आनंद बताते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि आधार का सत्यापन नहीं होगा। किसानों को अपने बैंक में आधार लिंक जरूर करवाना होगा, साथ ही बैंक से कहकर NPCI से भी लिंक कराना होगा। आधार लिंक नहीं होगा तो पेमेंट फंस जाएगा। बिना मान्यता वाले स्कूलों की आई शामक, सभी स्कूल होंगे बंद, छात्रों को इन विद्यालयों में मिलेगा एडमिशन। उत्तर प्रदेश में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून के तहत बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों को बंद किया जाएगा। बिना मान्यता वाले कोई भी स्कूल अब राज्य में संचालित नहीं किए जा सकेंगे। सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल चलो अभियान के दौरान मिले फीडबैक के कारण ऐसा होने वाला है। इस फीडबैक में बताया गया है कि राज्य में बिना मान्यता प्राप्त वाले स्कूलों की संख्या काफी ज्यादा है। राज्य में बिना मान्यता के चल रहे प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों को बंद किया जाएगा। वहीं इन विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों का दाखिला नजदीकी राजकीय सहायता प्राप्त या वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में दाखिला दिलाया जाएगा। इस बाबत बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक गणेश कुमार ने BSA को बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों को बंद कराने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही विद्यालय के संचालकों से 1,00,000 रुपए जुर्माना वसूलने को लेकर भी निर्देश जारी किया है। यूपी में इस हफ्ते लू के थपेड़ों को झेलने के लिए रहे तैयार। यूपी में इस हफ्ते प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग इस दौरान पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा, तो वहीं तेज गर्म हवाएं भी चलेंगी। इसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी होगी और हीट वेव की स्थिति बनेगी। मौसम के इस मिजाज को देखते हुए IMG ने राज्य में लू चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक वाराणसी, प्रयागराज और आगरा सहित कई कई स्थानों पर लोगों को मंगलवार से ही हीट वेव का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ यूपी के अलग अलग शहरों में वायु प्रदूषण सूचकांक अच्छे से खराब श्रेणी में है और इस हफ्ते इसी श्रेणी में रहने का अनुमान है। लखनऊ में सोमवार को अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पूरे हफ्ते मौसम साफ रहेगा, सप्ताह के अंत तक तापमान भी इसी के आसपास रहेगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी में 153 है। सीएम योगी के शहर में कर वसूलेंगे थर्ड जेंडर मॉडल तौर पर लागू की जा रही योजना। उत्तर प्रदेश में एक नई शुरुआत होने जा रही है। अब भवन स्वामियों से गृह कर की वसूली के लिए नियम के नियमित पुरुषों या स्त्री कर्मचारी नहीं आएगा, बल्कि उनकी जगह ये काम थर्ड जेंडर करेंगे। नगर निगम ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ये वही गोरखपुर है जहां 2001 में थर्ड जेंडर आशा देवी मेयर चुनी गई थी। आपको बता दें कि इससे पहले थर्ड जेंडर से कर वसूली का काम गुजरात के अहमदाबाद नगर निगम ने शुरू किया था, वहां ये प्रयोग सफल रहा। अब गोरखपुर नगर निगम ने मॉडल प्रोजेक्ट के तहत यूपी के थर्ड जेंडर को निगम में नियुक्ति देकर उनसे कर वसूली कराने का निर्णय लिया है। यही आपको बता दें कि फिलहाल इसी गोरखपुर में इलेक्ट्रिक बस डिपो के लिए 3 थर्ड जेंडर का इंटरव्यू कराकर उन्हें नियुक्ति किया जा चुका है। सभी थर्ड जेंडर वहां सफलतापूर्वक अपने कार्य को अंजाम दे रही है। गोरखपुर नगर निगम ने थर्ड जेंडर की नियुक्ति की तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिया है। लखनऊ में सोना 54,500 रुपए तोला और चांदी 67,000 से 69,200 रुपए प्रति किलो हुई। 1 अप्रैल को लखनऊ चौक सराफा बाजार में सोने का भाव 52,500 रुपए प्रति तोला था, अब ये 54,500 रुपए प्रति तोला से ज्यादा हो गया है। जानकारों का कहना है कि एक साल के अंत तक
आपको बता दें कि जानकारों का कहना है कि साल के अंत तक या 60,000 रुपए तक पहुंच सकता है। सोने के साथ चांदी के भाव भी बढ़े हैं इस महीने। अब तक चांदी के रेट में 2,000 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। चौक सराफा बाजार के आदेश जैन का कहना है कि इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। एक, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की वजह से सोने के रेट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लोगों ने सोने में निवेश को बढ़ा दिया है। दूसरा कारण, सालक की वजह से डिमांड का बढ़ना। सालक में सोने और चांदी की मांग काफी तेजी से बढ़ी है, इसकी वजह से इनके दाम बढ़ रहे हैं। तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले।